सो हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज अवर महाजन एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप व्लॉग कंटिन्यू करने से पहले एक बात मुझे आपसे करनी थी। लैला से मेरी थोड़ी लड़ाई हो गई थी, उस चक्कर में भाई मैं कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ, दिल से बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि लैला के चाहने वाले काफी ज्यादा है, बट भाई आप लोगों को थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। इतने सारे कमेंट है, कुछ आए, मेरे को गुस्सा है भाई, बिल्कुल है, क्योंकि भाई वहां पर ना क्या दिक्कत हो रही है कि हेट कमेंट्स देने वाले बहुत बंदे हैं। उनसे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, किसी ना किसी को अगर होगी मिसअंडरस्टैंडिंग तो भाई मैं आपको पूरा सीन बता दूं। हुआ क्या था, जिम में हम थे, ठीक है, मैं वर्कआउट कर रहा था, तो एकदम से क्या होता है भाई, आपको भी पता है हमारा ग्रुप कैसा है मजे लेने में, तो मेरे को लगा कि लैला जब आया मेरे पास तो वो थोड़े ना मजे वाले टोन में आया मेरे पास कि भाई आपके कितने सेट बचे, जैसे वो हरकतें करते हैं वो, तो मैंने खुंदक में ये बोल दिया कि यार ये हरकतें मत करियो, क्योंकि भाई पहले भी बहुत होता था कि जब सारे ग्रुप वाले ना जब रिलेशनशिप में आता तो बहुत ज्यादा सुनने को मिला था कि भाई तू क्यों आ गया रिलेशनशिप में, हम ये लड़के हैं नहीं, हम ये लड़के हैं नहीं। तो ठीक है, दिमाग में चीजें थी, मेरे को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मेरे को लगा कि मजाक कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो मेरी वापस से तू बहस होगी। पहली बात भाई, अगर जब लैला से मेरी बात हुई थी तब तन्वी वहां पर नहीं खड़ी हुई थी, वो पीछे जाके खड़ी हो गई थी, तो लैला मेरी बात हुई थी, और उसके बाद अगर आप देखोगे मुझे ऑटोमेटिकली पता लगा, मुझे ऑटोमेटिकली बुरा लगा, चाहे मैं व्लॉग के थ्रू उस चीज को सॉरी बोल रहा था, बट मैं उसको सॉरी बोल रहा था। लैला आज से दोस्त नहीं मेरा, स्टार्टिंग से ही दोस्त है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हेट कमेंट्स दे रहे हो, जो मेरे को बोल रहे हैं कि भाई आपकी मतलब लैला और आरुषि चक्कर में आप चल रहे हो या आपको हम देख रहे हैं, तो भाई बहुत अच्छी बात है, मैं कभी इस चीज से नहीं मुकरूंगा, ना मैं बोलूंगा कि हाँ यार ऐसा नहीं है। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर एक जो मुट्ठी बनती है ना वो पांच उंगलियों से बनती है, तो ऐसे आप दिल्ली गैंग का मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर दिल्ली गैंग या हम सारे कुछ बने हैं ना, तो हम सारे एक साथ बन के, हम सबकी यूनिटी थी तो हम सब बने हैं, नो डाउट। जिसकी जो मेहनत है, जिसकी जो टैलेंट है, वो तो भाई बहुत ज्यादा अच्छा ग्रो कर रहा है। बट आप ये नहीं बोल सकते कि भाई अगर लैला है तो मैं हूँ, सॉरी भाई मेरे में भी कुछ काबिलियत होगी तो मैं कर रहा हूँ। हाँ, नो डाउट, अगर लोगों के थ्रू ज्यादा मैं आजकल मतलब पॉपुलर हो रहा हूँ, ज्यादा आपके पास आ रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ देम, तो वो मैं एग्री करता हूँ, बट मेरे अंदर भी कुछ है भाई, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। बाकी कोई नहीं भाई, अगर आप हेट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, आपको अनसब्सक्राइब करना भाई आप कर लो, बट ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारी कोई भसड़ है या कुछ है, ऐसा नहीं है कि भाई लैला से मैंने बहुत पहले भी कभी ऐसी हरकतें करी है, आप लैला से पूछ लेना, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। कई बार हो जाता है भाई, इंसान डेली बेसिस पे उस सेम मूड में नहीं रहता, चीजें होती है। तो कोई नहीं भाई, आज मैंने व्लॉग ऑन क्यों कर लिया, क्योंकि भाई सबसे पहले तो अभी मैं जा रहा हूँ जिम, और जिम में जाके मैं करने वाला हूँ आर्म्स का वर्कआउट, लेग्स का वर्कआउट नहीं, तो मैंने वही सोचा कि यार आप लोग के रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि भाई स्टार्टिंग से ना मेरी बॉडी में मेरे को आर्म्स अपने सबसे ज्यादा वीक लगते थे, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैं ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस करता हूँ, क्या करता हूँ, जिससे मुझे बहुत फर्क पड़ा। उसके बाद भाई शायद आज रात में मैं डेट पे जाने वाला हूँ तनु के साथ, एक अच्छी जगह, कौन सी जगह होगी मुझे नहीं आइडिया है, बट मैं आपको बता दूंगा। तो बढ़िया व्लॉग होने वाला है, बने रहना व्लॉग में। और भाई अभी भी बोल रहा हूँ, जिसको बुरा लगा लैला वाली चीज से, तो भाई दिल से सॉरी आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, क्योंकि भाई ठीक है, अब कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कई बार चीजें हो जाती है, तो कोई नहीं, अब व्लॉग स्टार्ट करते हैं, ज्यादा पकाते नहीं, लव यू सब कुछ दिल से। ये कैसे पहले आ गई आज? हेलो, बंद कर दिया मैंने कैमरा, आधा कैसे देख लिया था, कैसे देख लिया था, कैसे देख लिया था, आए तो करते, आए तो करते, जेंटलमैन वाली क्वालिटीज बरकरार रखते हुए कभी भी अपनी लड़की को ना रोड के साइड में चलने देख रहे हो भाई, बहुत गलत चीज है। देख अगर, हाँ यार मेरी बेटी जैसी है तू, पर मैं तो कोई चीज बताना चाहता हूँ कि अगर मैं लड़की, अगर मैं बोलता बंदी तो बोलती बंदी, अगर मैं बोलता कि ये तो तूने बोला ना, सबको समझ आ गया होता, पता है आज शेड में ऐसा नहीं कि वो सेकेंड या थर्ड क्लास से बच्चा में देखते हैं, ठीक है, यस। चलो भाई जिम स्टार्ट करें, बहुत बातें होगी इसके साथ में, वो खेल रहा मैं रोड रैश, रोड रैश बाहर आना पड़ा मेरे को, क्योंकि आप सभी को पता है भाई जिम में गाने चल रहे होते हैं, तो उस टाइम पे कॉपीराइट आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अभी तक मैंने वार्म अप वगैरह अपना निपटा लिया है, और आज मैंने आपको बताया था कि मैं आर्म्स का वर्कआउट करने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैं करूंगा एक बाइसेप की एक्सरसाइज, फिर ट्राइसेप की, तो टोटल जो मैं करने वाला हूँ छह एक्सरसाइज करने वाला हूँ, तीन बाइसेप की, तीन ट्राइसेप की,
सबसे पहली एक्सरसाइज जो मेरी है वो है मेरी भाई डंबल कर्ल्स, ठीक है। तो मैं बाहर आके आपको बताता रहूँगा कि कितने रेप्स निकाले क्या निकाले। तो सबसे पहले मैं वो एक्सरसाइज मार रहा हूँ, तो आप एक्सरसाइज के मज़े लो, एक बार देखो अंदर कैसे परफॉर्म करूँ और बाहर आके मैं आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है। चलो गाने वाने आ रहे हैं, तो उसके लिए पहले आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ। अब पहली एक्सरसाइज जो मेरी है वो है मेरी ये स्टैंडिंग कर्ल्स है, और अब मैं लेने वालों अपना मेन सेट वो है 25 किलो से, एम करता हूँ, देखता हूँ कितने रेप्स आते हैं। पहली एक्सरसाइज में मैं फोकस ये कर रहा हूँ कि मैं हैवी मारूँ, ठीक है। चलो Humans, what have you learned? और सॉरी यार अगर वो वाली सैंडो मैंने फिर से पहन ली, तो आप हम देख लो एक बार। सबसे अच्छा काम है दुनिया का यार, कितनी क्यूट होती है ना गाय। ओए यार चलो कोई नहीं भाई, कभी भी ऐसे आपको दिखे तो गाय को खाना जरूर दिया करो। हेलो क्या कर दूँ, हेलो क्यूटी ही। मन ललचा रहा है भाइयों, ये देखो ये अंडे पड़े हुए हैं सामने, ये पड़ा हुआ है, क्या खाऊं समझ नहीं आ रहा। अरे नोना बच्चा आ गया। तो मेरे भाई पिछली वीडियो में एक भाई ने कमेंट कर रखा था कि भाई आप भाभी के चक्कर में तो दाढ़ी बढ़ा रहे थे, अब हमारे चक्कर में भी क्लीन शेव हो जाओ। तो देख लो भाई तुम्हारी सुन ली, ऐसा मत सोचा करो भाई कि अगर कुछ कमेंट्स का मैं रिप्लाई नहीं कर पाता तो मैं सारे कमेंट्स नहीं देखता, ठीक है। प्यार तुमसे बहुत ज़्यादा है, याद रखने बात, लव यू। अब फटाफट ऊपर चल रहे हैं, रेडी वेडी हो रूँ और फिर मैं आपसे मिलता हूँ बिल्कुल स्मार्ट बन के, फिर दिखाता हूँ कि भाई आज तुम्हारा भाई क्या लग रहा है, ठीक है। ओके ओए क्या लग रहा है तुम्हारा भाई। तो भाई तुम्हारा भाई रेडी वेडी हो चुका है, और एक बार मैं आपको आउटफिट दिखाता हूँ, रुको यहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया ले लेना। ऐसे ले लो, ये मैंने नीचे पहने वाइट जूते, ये ब्राउन जीन्स और टी शर्ट मैंने ऊपर पहन ली है, जिसमें ट्राइसेप और थोड़ा बाइसेप फ्लेक्स करते हुए। बाकी मेरे को एक बात आना भाई कि अगर ये लुक ज़्यादा अच्छी मेरे पे लग रही है तो मैं ऐसे ही मेंटेन कर लूँगा और दाढ़ी वाड़ी नहीं रखूँगा, अच्छी बात, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं, मिलते हो आपसे थोड़ी देर में, बाय। ओए होए 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 कौन आ गया है, हीरो आग लगा दी मार्केट में मैंने। ये तनु को मैं पिक करने आ गया, बट उसने बहुत बड़ी चीटिंग करी है, उसने वीडियो कॉल पे देख लिया मैं कैसा लग रहा हूँ और अपने आप को उसने नहीं दिखाया। अरे यार बेल्ट का सीन आ गया और उसने मुझे अपने आप को नहीं दिखाया। तो एक बार चलो देखते हैं कैसी लग रही है, एक बार रिएक्शन लेते हैं, और कमेंट सेक्शन में बता देना तुम्हारा भाई ज्यादा बेटर लग रहा है या भाभी। वैसे तो सब तनु को ही वोट करना है, ठीक है। ओके लोगों कैमरा बंद नहीं करता। अरे यार हाथ पकड़ पकड़ के ना दर्द हो जाता है, फोन सॉरी हाथ में, देखते रुको कहाँ खड़ी है। ये देखो ये भी अपना व्लॉग ऑन करके आ गई है, देखते कैसी लग रही है। ओके एक बार ये सिर्फ अपना व्लॉग बंद कर, फिर मेरे को दिखाने दे पहले, फिर मेरे को दिखाइयो। ओ तेरी अबे तू तो बहुत ज्यादा अच्छी बन के आ गई भाई, तू तो बहुत ज्यादा अच्छी बन के आ गई, मैं तो ऐसी बन के आ गया हूं। पारू लग रहा है, टन टन से दे क्या दिखा रहे दे। ओ भाई ये हाथ अड़ा यार, कितने तूने लेंस भी पहन लिए भाई, तेरे को शर्म आ रही है। बहुत सुंदर तेरे आगे में, सही में बहुत बहुत ज्यादा भीखा लग रहा है। नहीं लगा। हाँ यार अच्छा लग रहा है। चलो भाई गोवा आ गए, रोमे नहीं आ गए गोवा आ गए गोवा। और ये वगैरह डालो, खाने पीने का मिलेगा बढ़िया। ये हमने दो ड्रिंक मंगी हमारी वो क्यूची, दो ड्रिंक मंगवा रखे, भी खाने का मंगवा रखे। ज्यादा ज़्यादा ब्लॉग हो नहीं पाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पर गाने बहुत तेज है, कॉपीराइट आ जाएंगे। कोई नहीं आराम से मिलता हूँ, ठीक है। ओए होए फ्री का खाना, फ्री का खाना फ्री का खाना फ्री का खाना। ये देखो भाई डिमसन आ चुके हैं, दो ड्रिंक मंगवा रखी है, मॉकटेल है कॉकटेल नहीं है, ठीक है। साथ में एवोकाडो टोस्ट पे, ये फ्राइज वगैरह, और ये टटा। और ये मैं इसकी बेचारी की स्टोरी खराब कर रहा हूँ भाई, इसकी स्टोरी रुक नहीं रही है और मैं भूख से मर रहा हूँ यहाँ पर। ये देखो व्हाइट सॉस पास्ता भी, ओए तेरी व्हाइट सॉस पास्ता भी आ गया। बस कर दो मैडम भूख लग रही है, खाना खाएं दे यार प्लीज़।
प्लीज प्लीज। चलो भाई मैं तो खा रहा हूँ, खाना खा लूँ अब। गुड गुड पक्का भाई, टेस्ट इट यू टाइम। ठीक है सबसे पहले खा रहे हैं डिमसम। क्या था ना चिरीज, ये देख भाई शकी आ रही। भाई मेरी एक शर्ट में फोटो थी पता नहीं कई की, तो इसको ना शक होने लग गया, कह रहे यार ये कहाँ के बटन के अरे वॉकआउट तो कर दे साथ में भाई, ऐसे तो मत कर यार, वॉकआउट तो कर दे यार। सर क्यों रही है, क्या हो गया, अब तो क्लियर हो गया ना तेरे को, वही है। एक बार सच बोलेगी नहीं बोला भाई, अपना खुद का बहन को चिरा ऐसा कर जाता ना तो भाई दुखता है। बस जो बात सिंपल सी भाई, सिंपल अगर एक बात आप ये जान के मैंने कैमरा ऑन किया, इसने बोला कि ये ऐसे ही करेगा, देख ले भाई मैंने कैसे बोला यार छोड़ नहीं, गलत जो है वो गलत है, गाली तो तुझे कम कर रही थी। चल इधर तो आ भाई, नहीं है नहीं भाई, मैं सॉरी बोल रहा हूँ यार, कोई छोटी बात होना, कोई ईगो वाली बात थोड़ी ना भाई। डिसाइड कर रहा है कंपनसेशन इन रुपीस 10,000 ट्रांसफर, यस राइट नाउ, राइट नाउ। पटेनगर स्वामी कौन है, मैं हूँ, तू है, तू है, मेरे भाई ने गलती थोड़ी करी है, मेरे भाई गलती होने वाली है तेरे से। स्टार्ट करते हैं मैच आज का, चल मट गए। दे दे मैगी यार, दे दे भाई, अबे दे यार, अबे दे दे, अबे दे दे, नहीं 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 दे मैगी दे मेरे भाई।